नमस्कार दोस्तों, आलोक सब्लिमेशन टेक में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं कि कलर चेंज डिजिटल अलार्म क्लॉक के ऊपर आप लोग सब्लिमेशन के द्वारा फोटो को कैसे करना प्रिंट है। करेंगे। ये सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर आपसे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और देखते रहिए आलोक सब्लिमेशन टेक। तो चलिए दोस्तों, पहले फटाफट हम लोग इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से आप लोगों को ये डिजिटल काम क्लॉक करती मिली। है। ये देखिए, यहाँ पर आपको इस तरीके से पैकिंग के अंदर आपको डिजिटल क्लॉक मिल जाती है। तो हम लोग फटाफट इस क्लॉक को ओपन कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ से हम लोग इसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने होगा इस क्लॉक का। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये कलर चेंज डिजिटल क्लॉक है। इसमें कई कलर आप इसमें चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके फंक्शन सारे दिए गए हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये देखिए इसके अंदर जो है अप और डाउन का बटन दिया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सेट करने के लिए है, और ये अलार्म के लिए यहाँ पर आपको दिया है, और ये टैप एक लाइट को ऑन करने के लिए और ऑफ करने के लिए यहाँ पर चार कई पिक बटन लगनी दिए है। हैं, 1, 2, 3 और 4। यहाँ पर 4 पिक लगेगी, नीचे तो लगनी नहीं है, केवल 4 पिक आपको यहाँ पर लगाना है। तो चलिए हम लोग फटाफट देखते हैं। ये देखिए, इसके अंदर इस तरीके से सीट आपको मिलती है। ये देखिए, ये सीट होती है, जो ये मोटी सीट होती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कितनी इसकी थिकनेस मोटी है। यहाँ पर हम लोग मोटी सीट यूज करते हैं ताकि इस पे जो है जो पिक आपकी लगे वो क्लियर लगे, क्योंकि अगर आप पतली वाली सीट यूज करते हैं तो वहाँ पर क्लियरिटी नहीं आएगी। तो हम लोग यह देखिए, स्टिकर वाली ये मोटी सीट हम लोगों के पास है। हम लोग इसकी कटिंग कर लेंगे, साइज को नाप करके, नापने के बाद हम लोग इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर आपको जो है बता दूं कि इसकी जो चौड़ाई और लंबाई है 7x7 की है। हम लोग फटाफट स्केल की सहायता से इसको नाप भी लेंगे कि किस तरीके से आप लोग जो है इसको स्केल की सहायता से चेक कर लेंगे। ये देखिए, ये आपके सामने स्केल है। यहाँ पर जितने में आपको फोटो लगानी है यहाँ पर देख सकते हैं आप। ये 7 इंच 7 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है, और ये देखिए, ये भी 7 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है। तो हम लोग इसी के एवरेज में इसको काट लेंगे फटाफट सीट को। तो चलिए फट से दोस्तों, इसको, हम हम सीट लोगों ने को इस काट सीट को कटिंग कर लिया है। ये देखिए, मेरे पास 2 क्लॉक है, मैं दोनों पे प्रिंट करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साइज के अकॉर्डिंग हमने कटिंग कर लिया है इसको। और यहाँ पर आपको बता दूं कि ये देखिए, यहाँ पर जो बैटरी लगने वाली है, जो सेल लगेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर 3 सेल आपको लगाने हैं, जो कि रिमोट वाले सेल होते हैं, पतले वाले सेल। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए, ये वाले पतले वाले सेल लगेंगे, मोटे वाले आपके घड़ी वाले सेल नहीं लगने वाले हैं। तो ये सेल लगेंगे, मैं आपको अभी लास्ट में दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको लगाना। सबसे पहले हम लोग इसको प्रिंटिंग करेंगे, किस तरीके से प्रिंट करना है, डिजाइन कैसे करना, सारी बातें हम इस वीडियो में अंदर आपसे शेयर करने वाले हैं। तो लोग मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इस तरीके के प्रिंटिंग आइडियाज जो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहता हूं, आप लोगों से मिस ना हो। तो चलाइए फटाफट हम लोग पहले इसका प्रिंटिंग का डिजाइन निकाल लेते हैं कि किस तरीके से आप लोगों को सब्लिमेशन पेपर पर सब्लिमेशन इंक की सहायता से आपको डिजाइन निकालना है। ये देखिए, ये बॉक्स के अंदर दोस्तों आपको बता दूं कि इसके अंदर एक आपको कुछ इस तरीके से स्लिप मिल जाती है इसके अंदर, जो कि यहाँ पर लिखा है। सेटिंग वेटिंग के बारे में अगर आपको नहीं जानते हैं तो इसमें किस तरीके से सेट करना है, ये सारा जो है इसके अंदर लिखा रहता है, बॉक्स के अंदर आपको मिल जाता है। तो चलिए हम लोग ये देखिए फटाफट दोस्तों, पहले इसको हम लोगों ने सेट करने के बाद सेट कर लिया है। अब इसको हम लोग मिरर कर लेंगे। मिरर करने के बाद यहाँ से हम लोग इसको प्रिंट दे देंगे सब्लिमेशन पेपर पे। सब्लिमेशन इंक की सहायता से हम लोग इसको प्रिंट दे दे रहे हैं कुछ इस तरीके से। जो भी प्रिंटर है आपके पास, प्रिंटर को सेलेक्ट कर लीजिए, प्रॉपर्टीज़ में जाकर यहाँ A4 साइज, और यहाँ पर पेपर टाइप की बात करेंगे तो हम लोग मैट पे प्रिंट करने वाले हैं, क्वालिटी हाई रहेगी। यहाँ पर हम लोग इतना करने के बाद इस तरीके से प्रिंट दे देंगे। ये देखिए, इसी तरीके से दूसरा भी दे देंगे दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए, इसी तरीके से हम लोग इसको भी दे देंगे। ये देखिए, प्रिंट निकलना हम लोगों का स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों, हम लोगों ने प्रिंट आउट को निकाल लिया है सब्लिमेशन पेपर पे। सब्लिमेशन इंक की सहायता से हम लोगों ने प्रिंट आउट निकाल लिया है, जो कि प्रिंट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों जो है, जो अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं कोटेशन, तो हम लोग यहाँ देखिए कोटेशन भी लिख दिए हैं। जो भी आपको लगाना है दोस्तों, यहाँ पर इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं प्रिंट आउट को और यहाँ पर लगा सकते हैं।
तो चलिए हम लोग फटाफट जो है इसको पहले सेट कर लेते हैं। किस तरीके से करना है यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। ये देखिए जो प्रिंट आउट निकालना है दोस्तों, थोड़ा सा बड़ा रहेगा प्रिंटिंग से। ये देखिए हम लोग इस शीट को बढ़िया से साफ कर लेंगे। साफ करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको कुछ इस तरीके से लगा देना है। ये देखिए इस तरीके से हम लोग इसको सेट कर लेंगे। सब्लिमेशन टेप की सहायता से इसको लॉक कर लेंगे बढ़िया से, ताकि हम लोगों का प्रिंट आउट जो है इधर उधर हिले नहीं और बढ़िया से ये प्रिंट हो जाए। दोस्तों अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग इजली कमेंट करके पूछ सकते हैं कि किस तरीके से होगा, कैसे करना है। अगर आपको रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है तो उसके लिए भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से हम लोग सीट को बढ़िया से साफ कर लेंगे। चूंकि ये मोटी सीट है दोस्तों, तो आपको ध्यानपूर्वक इसको लगाना होगा। ये देखिए इस तरीके से हम लोग इसको बढ़िया बराबर में सेट कर लेंगे। सब्लिमेशन टेप की सहायता से इसको लॉक कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोगों ने सब्लिमेशन टेप की सहायता से इसको बढ़िया से लॉक कर दिया है। अब हम लोग चलते हैं मशीन के ऊपर, जहाँ पर टाइम और टेम्परेचर को सेट करेंगे कि किस टाइम और टेम्परेचर के ऊपर आपको इसको प्रिंट करना है। तो फटाफट चलते हैं हम लोग 5-in-1 सब्लिमेशन हीट प्रेस मशीन। देखिए दोस्तों हम लोग 5-in-1 हीट प्रेस मशीन के ऊपर आ चुके हैं। हम लोग मशीन को कुछ इस तरीके से ऑन कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5-in-1 मशीन है ये। मोर की बटन प्रेस करेंगे दोस्तों हम लोग। मिनिमम टेम्परेचर जो रखेंगे हम लोग रखेंगे 350। ये देखिए कुछ इस तरीके से हम लोग इस मशीन को सेट कर लेंगे 350। मैक्सिमम टेम्परेचर जो होगा दोस्तों वो भी 350 होगा। टाइमिंग जो होगा दोस्तों ये 60 सेकंड होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 60 सेकंड दिखाई पड़ रहा है, इसी पे हम लोग इसको लॉक कर देंगे। ये देखिए हम लोगों की मशीन हीट होना स्टार्ट हो चुकी है। जैसे ही मशीन बीप करेगी दोस्तों, बीप की आवाज़ करेगी, हम लोग इसके अंदर जो है ये डिजिटल क्लॉक वाली शीट को प्रिंट करने वाले हैं। देखिए दोस्तों मशीन का सरफेस कुछ इस तरीके से आप लोगों को नीचे मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये देखिए ये मशीन का सरफेस। हम लोग यहाँ पर इसको जो है ये जो सीट है हम लोग कुछ इस तरीके से रखेंगे। यहाँ पर आप देखिए जो प्रिंटिंग जो पेपर वाला भाग है ये ऊपर की तरफ रहेगा, इस तरीके से रखेंगे दोस्तों। इसके ऊपर हम लोग एक टेफ्लान सीट को रखेंगे। ये देखिए एक दूसरी टेफ्लान सीट हम लोग नीचे डाल देंगे। टेफ्लान सीट डालने से दोस्तों ये होगी कि प्रिंट की क्वालिटी भी बनी रहेगी और आपकी मशीन की लाइफ भी बनी रहेगी। दोनों चीज़ें हैं इस टेफ्लान सीट को लगाने से। बहुत सारे लोग पूछते हैं सर टेफ्लान सीट क्यों लगाएं, क्यों उसका क्या काम है। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि टेफ्लान सीट अगर आपके पास है तो ज़रूर लगाएँ। ये देखिए अगर आपके पास टेफ्लान सीट नहीं है तो आप लोग इसके ऊपर जो है A4 साइज का पेपर इसके नीचे मशीन के यहाँ पर रख सकते हैं, ये वाले सरफेस पे। ये देखिए इसके ऊपर भी रख सकते हैं और एक पेपर ऊपर भी रख सकते हैं जहाँ पर मैंने टेफ्लान सीट को लगाई है। इस तरीके से यहाँ पर कर देना है। ये देखिए मशीन हम लोगों की हीट हो रही है। जैसे बीप की आवाज़ करेगी दोस्तों हम लोग प्रेस करेंगे। देखिए दोस्तों मशीन जो है हम लोगों की हीट होने वाली है, ये देख सकते हैं आप। जैसे ही मशीन बीप करेगी हम लोग इसको प्रेस करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 350 हो चुका है। ये देखिए मशीन भी रेडी है, तो हम लोगों ने इसके अंदर रख दिया है। हम लोग इसको प्रेस करेंगे, प्रेशर को थोड़ा सा डाउन करेंगे हम लोग, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर है तो हम लोग इसको थोड़ा सा डाउन करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग इसको प्रेस कर देंगे कुछ इस तरीके से। ये देखिए लास्ट वाली बटन प्रेस कर देंगे दोस्तों, टाइमिंग चलना स्टार्ट हो गया। जैसे ही मशीन बीप की आवाज़ करेगी टाइम ये प्रिंट हमको हम लोगों का कंप्लीट होगा। हम लोग इसके अंदर से निकालेंगे और ये दूसरी सीट जो आप देख रहे हैं हम लोग इसको भी इसी तरीके से प्रिंट करने वाले हैं। तो जो लोग मेरे चैनल पे दोस्तों पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हैं, बेल आइकन को प्रेस नहीं किए हैं, तो उनको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है नए वीडियोज़ को जो मैं डालता हूँ। तो उनसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें, ताकि इस तरीके के प्रिंटिंग आइडियाज़ के नोटिफिकेशन उनको मिलते रहें, उनसे वीडियो मिस ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों ये टाइमिंग जो है कुछ ही सेकंड बचा हुआ है। जैसे ही ये कंप्लीट होगा हम लोग ये दूसरी सीट यहाँ पर जो आप लोगों को दिखाई पड़ रही है डिजिटल क्लॉक वाली, हम लोग इसको जो है इस मशीन के अंदर उसको भी प्रिंट करने वाले हैं। ये देखिए इसका टाइम कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग जो है इसको निकाल लेते हैं यहाँ से, मशीन को हम लोग उठाएंगे। ये देखिए थोड़ा सा प्रेशर को ऊपर करेंगे हम लोग और यहाँ से सीट को हटाएंगे, टेफ्लॉन सीट को हटाएंगे हम लोग।
यहाँ पर दोस्तों आपको ग्लव्स का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी हीट रहता है। ये देखिए इसको हम लोग हटा लेंगे यहाँ से। ये देखिए इसी के अंदर चिपक गया है, काफ़ी हीट है दोस्तों। ये देखिए सीड भी निकल रही है यहाँ से। ये देखिए हम लोग इसको हटा लेंगे। ये देखिए इसकी लेयर जो है इसी में निकल गई है क्योंकि इसके पीछे गम लगा रहता है दोस्तों, इसीलिए आपको यहाँ पर जो है वो लगाना ज़रूरी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सीड जो है इसकी लेयर जो थी यहाँ पर निकल चुकी है। इसको हम लोग सीड को जो है पलट लेंगे। बैक साइड में हम लोग पहले प्रिंट कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को दूसरा भी प्रिंट आउट प्रिंट करना है। मशीन हम लोगों की रेडी है तो हम लोग फटाफट जो है ये देखिए इस तरीके से पेपर वाला भाग ऊपर की तरफ रहेगा, उसके बाद फिर से टेफ्लॉन सीट आपको रखना है कुछ इस तरीके से और वही सेम प्रोसेस करना है दोस्तों। ये देखिए इस तरीके से घुमा करके इसको प्रेस कर देना है। ये देखिए टाइमिंग चलना स्टार्ट हो चुका है। जैसे ये कंप्लीट होगा दोस्तों हम लोग, ये देखिए हम लोगों का प्रिंट आउट निकल चुका है, ये ठंडा हो रहा है। जैसे ही ठंडा हो जाएगा हम लोग आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से इसको आपको सेट करना है यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों हम लोगों का दूसरा भी प्रिंट आउट कंप्लीट हो चुका है। मशीन बीप की आवाज़ कर चुकी है, अब हम लोग मशीन को कुछ इस तरीके से ऑफ कर देंगे पहले क्योंकि प्रिंटिंग हम लोगों की कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद फिर मशीन को इस तरीके से उठा लेंगे और ये थोड़ा सा प्रेशर को उठाएंगे इस तरीके से ऊपर कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये देखिए टेफ्लॉन सीट को हम लोग हटाएंगे यहाँ से। ये देखिए दूसरा प्रिंट भी हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए हम लोगों का थोड़ा सा ठंडा हो जाए चूँकि काफ़ी हीट रहता है, हीट रहने पे अगर हम लोग इसको उठा लेते हैं तो यहाँ से ये जो है नीचे की लेयर जो है ये निकल जाती है, तो थोड़ा ठंडा हो जाए फिर हम आपको निकाल के दिखाते हैं। ठंडा हो चुका है, अब हम लोग इस सीट को उठा लेते हैं और इसको भी नीचे रखते हैं हम लोग। ये देखिए ये ठंडा हो जाए फिर हम आपको निकाल के दिखाते हैं। चलिए देखते हैं, हम लोगों का प्रिंट हो चुका है, अब हम लोग इसको जो है फटाफट निकाल लेते हैं पहले यहाँ से। ये देखिए ये आपकी सीट प्रिंट हो चुकी है, कितना बढ़िया प्रिंट आया हुआ है ये। इसी तरीके से हम लोग सारे जो है सीट यहाँ से पहले निकाल लेंगे। ये आप देख सकते हैं सारी सीटें हम लोगों की प्रिंट हो चुकी हैं। ये देखिए जो कोटेशन लिखा था वो वाला भी सीट प्रिंट हो चुका है और ये देखिए ये भी पिक हम लोगों की प्रिंट हो चुकी है। तो इसी तरीके से दोस्तों ये देखिए दूसरी क्लॉथ की हम लोग इसको भी निकाल लेते हैं। ये देखिए ये आप देख सकते हैं, ये देखिए फटाफट हम लोग इसका टेप पहले निकाल लेंगे यहाँ से। इसके ऊपर जो टेप लगा हुआ है सारे के हम लोग पहले टेप अलग कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों इस तरीके से आपको टेप सारे के निकाल लेने हैं। ये देखिए और उसके ऊपर गमिंग लगी हुई है दोस्तों इस सीट के ऊपर पीछे बैक साइड में, तो हम लोग फटाफट इसको काट करके सेट करेंगे किस तरीके से करना है। ये देखिए यहाँ से गम निकल रहा है, ये सीट उखड़ रही थी। ये देखिए इस तरीके से हम लोग फाइनली हम लोगों ने टेप निकाल दिया है सारे के। अब हम लोग फटाफट इस सीट को जो है यहाँ पर, ये देखिए ये क्लॉक है आपकी, इस सीट को हम लोगों को बढ़िया से इसको पहले नाप लेना है। ये देखिए टेप एक में नहीं निकला था, हम लोग टेप निकाल लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ से देखिए, ये देखिए साइज़ थोड़ा सा बड़ा लग रहा है तो हम लोग इसको राउंड शेप में कटिंग करेंगे पहले यहाँ पर। तो चलिए हम लोग फटाफट पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं राउंड शेप में। ये देखिए नीचे से पहले हम लोग थोड़ा सा कट कर लेंगे इसको कुछ इस तरीके से। अब इसको हमको राउंड शेप में बनाना है। ये देखिए इधर भी हम लोगों को थोड़ा सा कटिंग करना है राउंड शेप में कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसे राउंड शेप में आपको चारों तरफ कटिंग करना है। इसको थोड़ा सा ये जो हाइट भाग है इसको भी निकाल देना है और इसको भी हमको राउंड शेप में कट करना है। ये देखिए, ये देखिए कुछ इस तरीके से हम लोगों की कटिंग हो चुकी है। अब हम लोग इसको चेक कर लेते हैं, फिर भी देखिए ये थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, हम लोग इसको और कटिंग करेंगे। ये देखिए फिर से राउंड शेप में इसको करना होगा आपको। इसको भी हम लोग थोड़ा सा साइड में बराबर रखेंगे क्योंकि सीट हम लोगों की थोड़ा सा घटा बढ़ी कटी हुई थी। आप लोगों को ये ध्यान देना होगा कि सीट आपकी जो है बराबर में कटे। ये देखिए
ये देख सकते हैं आप यहाँ से, ये देखिए राउंड शेप में हम लोगों को सीट कट चुकी है। ये देखिए इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर अगर आप चाहें या नीचे चाहें तो काट सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा साइड में और काट सकते हैं क्योंकि एकदम किनारे पे आ रही है, तो हम लोग हल्का सा काट देंगे इसको साइड में, इसको थोड़ा सा राउंड बना देंगे। इधर ज़्यादा कट गई है, हल्का सा हम लोग इसको बराबर में करेंगे। ये देखिए ये सीट कट चुकी है बराबर में, ये सेट हो जाएगी इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से, और इसके पीछे जो गम लगा हुआ है हम लोग इसको निकाल लेंगे यहाँ से। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर गम लगा हुआ है, हम लोग इसको निकाल करके कुछ इस तरीके से यहाँ पे लगा देंगे। ये देखिए, ये देखिए इस तरीके से आपको इसको लगा देना है। ऐसे हम लोग दूसरा भी कटिंग कर लेंगे फटाफट, पहले सारी कट कर लेते हैं हम, फिर आपको लगा के दिखाते हैं। इस तरीके से दोस्तों आपको सारे सीट को कटिंग, दोस्तों फाइनली हम लोगों की कटिंग हो चुकी है। ये देखिए एक सीट हम लोगों ने यहाँ पर लगा दिया था, अब इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर देखिए ये नीचे वाला भाग है इस तरीके से रखेंगे, और ये देखिए इस सीट को यहाँ पर उठा के कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको सेट करना है। ये देखिए इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। थोड़ा सा हल्का ऊपर बढ़ा हुआ है, हम लोग इसको कटिंग कर देंगे। ये देखिए, ये देखिए स्टिकर को हम लोग यहाँ पर जो है इसको हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे, क्योंकि इस पे गमिंग वाली सीट है ये, यहाँ से हम लोग इसको निकाल लेंगे। किस तरीके से ये काम करता है, सेटिंग कैसे करना है दोस्तों, सारी बातें हम आपसे यहाँ पर अभी शेयर करने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिए, कहीं मत जाइएगा। ये देखिए हम लोग इसको यहाँ पर इस तरीके से पेस्ट कर देंगे। ये देखिए ये लग गया, और ये देखिए यहाँ पर इसको हम लोग लगा देंगे। इसकी भी सीट हम लोग यहाँ पर गम से निकाल लेंगे पहले। ये देखिए यहाँ से हम लोग इस सीट को यहाँ से ऐसे निकाल लेंगे जिस पे गम लगा हुआ है इस सीट पे। ये देखिए इसको अलग कर लेंगे और यहाँ पर इसको सेट कर देंगे कुछ इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से आपको सेट कर लेना है। अब ये बैक साइड में बचता है, हम लोग यहाँ पर इसको एक लगा देंगे कुछ इस तरीके से, इसको यहाँ पर सेट कर लेंगे पहले। ये देखिए बराबर में आपको दोस्तों रख करके इसको सेट करना है। ये देखिए तो इस तरीके से ही आपका जो है यहाँ पर सेट हो जाता है। ये देखिए पिक यहाँ पर आप देख सकते हैं लग चुकी है। इसी तरीके से दोस्तों हम लोग दूसरा जो है यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है इसको भी हम लोग सेट करें। जो है टोटल पिक आपकी लग चुकी है, और यहाँ पर आप देखिए इस तरीके से हम लोग सेल को लगा देंगे। ये देखिए इसको ओपन कर लेंगे, कैसे आपको सेट करना है, सेल को कैसे लगाना, हम लोग फटाफट लगा लेते हैं। ये देखिए ये वाली आपको सेल लेनी है और इस तरीके से आपको सेट करना है। ये देखिए ये देखिए दूसरा और ये तीसरा सेल आपका, इस तरीके से आपको सेल को लगा देना है। ये देखिए, ये देखिए आपका अलार्म यहाँ पर बजने लगा, क्योंकि इसमें अलार्म पहले से ही सेट है, तो हम लोग इसको बंद कर लेंगे। ये देखिए यहाँ से बंद हो जाता है, ये बंद वाली बटन है, अलार्म ऑन ऑफ है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लाइट वाली बटन है, यहाँ पर हम लोग लाइट को पहले बंद कर देंगे फिर आपको दिखाएंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं किस तरीके से ये लाइट ग्लो करेगी आपकी, यहाँ पर लाइटिंग वाला जो बटन दिया गया है। ये देखिए इस बटन को जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करेंगे इसका कलर यहाँ से चेंज होता है कुछ इस तरीके से, आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा कलर, ये किस तरीके से कलर चेंज करता है। और यहाँ पर ये देखिए टाइम सेट करने के लिए दिया गया है, यहाँ से अप और डाउन कर सकते हैं इसको। ये देखिए ये बटन दी गई है, यहाँ से हम लोग इसको बढ़ा लेंगे घटा लेंगे अप और डाउन कर सकते हैं। ये देखिए माइनस में
प्लस में कर सकते हैं इसको, जो भी आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग ये बटन काम करता है। ये देखिए डेट और तारीख यहाँ से आपकी चेंज हो जाती है। ये देखिए हम लोग आज कितनी तारीख है इसको सेट कर देते हैं। ये देखिए आज 14 तारीख जैसे यहाँ पर शो कर रहा है, तो हम लोग इसको 14 तारीख यहाँ पर कर देंगे और इसको डन कर देंगे कुछ इस तरीके से। ये देखिए 15 करना है तो 15 कर लेंगे, करने के बाद इसको हम लोग लॉक कर देंगे इसी पे। ये देखिए ये लॉक हो गया। कलर भी आप देख सकते हैं, ये देखिए कलर हम लोगों का यहाँ से चेंज हो रहा है, तो कलर भी आपका शो करेगा जो भी कलर रहेगा यहाँ पे इस तरीके से। और आप यहाँ पर टाइम भी चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से घंटा और मिनट यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, जो भी चाहिए आपको यहाँ पर इसको आप अप और डाउन कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से अप और डाउन का सारा बटन दिया गया है। इस तरीके से आप लोग जो भी चाहेंगे यहाँ पर इसको सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। 11 बजा सकते हैं, 12, 1, 2, 3, 4, 5, जो भी आपको सेट करना है दोस्तों आपको इजली सेट कर देना है। और ये बटन यहाँ पर ओके की बटन दी गई है और इसको ओके कर देना है। जैसे ही यहाँ पर आप ओके करेंगे, ये देखिए यहाँ ओके कर देंगे और ये देखिए लाइटिंग यहाँ पर आपका शो होने लगता है। कलर चेंज करना चाहें तो यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये कलर यहाँ से चेंज हो जाता है। ये देखिए 4 कलर यहाँ पर आप लोगों को दिखाई पड़ते हैं कलर। ये नाइट में ग्लो करता है दोस्तों, हम लोग लाइट सारा ऑन किए हैं इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो लाइट जैसे ही बंद करेंगे यहाँ पर आपको सारा कुछ समझ में आने लगेगा कि किस तरीके से ये काम करता है। तो चलिए हम लोग दोस्तों यहाँ पर आपका कलर जब चेंज होता है तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको लाइट ग्लो कर रही होगी। ये देखिए इस तरीके से जो भी कलर आप यहाँ पर चेंज करेंगे लाइट आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। ये देखिए इस तरीके से जो पिक आपकी लगी है कितना बढ़िया यहाँ पर आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको मैंने टाइम बताया कि सेट करना किस तरीके से आपको सेट करना है। ये देखिए इसको आप सेट कर सकते हैं। कलर आप देख सकते हैं इस तरीके से आपका कलर भी चेंज हो जाता है। कुछ सारे कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर आपको चेंज करना है। ये बटन दिया गया है लास्ट में, इसको आप लोग प्रेस करेंगे तो ये कलर आपका चेंज होता रहेगा। यहाँ पर ये देखिए लास्ट वाली बटन यहाँ पर दिया है, इसको जैसे ही प्रेस करेंगे ये आपका कलर चेंज करता रहता है। ये देखिए देख रहे हैं जो भी पिक यहाँ पर आपकी लगी है वो सारी पिक यहाँ पर ग्लो करेगी। ये देखिए इस तरीके से दोस्तों ये आपका काम करता है। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये देखिए दोस्तों इस तरीके से आप लोगों ने लाइटिंग को समझ लिया होगा कि किस तरीके से आपको काम करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आज 15 तारीख है और ये पहला महीना यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है मंडे। टाइमिंग यहाँ पर देख सकते हैं आप 7:08 हो रहा है ये। इस तरीके से दोस्तों आप लोग इसको इजली सेट कर सकते हैं मन चाहा पिक लगाने के बाद। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये देखिए। आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप वीडियो पसंद आया तो वीडियो पे लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरीके के प्रिंटिंग आइडियाज जो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहता हूँ आप लोगों से मिस ना हो। इसी के साथ दोस्तों नमस्कार, मिलता हूँ किसी नए प्रिंटिंग आइडियाज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।